हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे स्पाइसी किचन में, यानी कि प्रियंका स्पाइसी किचन में। आज हम कुछ स्पाइसी नहीं बनाएंगे, आज हम कुछ मीठा बनाएंगे, ब्रेड के गुलाब जामुन। इन्हें बनाने में बहुत कम समय लगता है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने यहाँ ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। मैं इन सब के कॉर्नर्स कट कर लूँगी ऐसे। यहाँ मैंने टोटल 10 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। 10 स्लाइसेस के आराम से 14 से 15 गुलाब जामुन बन जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से, आपको जितने ब्रेड स्लाइसेस लेने हैं उतने आप ले सकते हैं। तो यहाँ जो ब्रेड के कॉर्नर्स निकले हैं ना, उन्हें भी आप यूज़ कर लें। इसे आप मिक्सर में से घुमाकर ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, या चाय के साथ आप डायरेक्टली डुबाकर खा भी सकते हैं। तो अब सब ब्रेड्स के कॉर्नर्स कट करके हो गए हैं। अब हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे हाथों से तोड़ लेंगे। इन शॉर्ट, हमें ब्रेड्स का पूरा चूरा कर लेना है। ये देखिए, ये हो गए हैं। अब मैं यहाँ आधा कप, मतलब 60 ml दूध ले लूँगी, और वो ऐसे पूरे ब्रेड पे डाल दूँगी। ये दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। अब हम पूरे टुकड़े किए हुए ब्रेड्स का डो बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे सॉफ्ट डो बन गया है। यहाँ पे आधा चम्मच घी ले लेंगे, उसे भी डो के साथ ऐसे गूंध लेंगे। अब हम इस डो के छोटे छोटे गोले बना लेंगे, गुलाब जामुन के साइज़ के। ये देखिए, यहाँ पे ये रेडी है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। जब तक यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, हम तब तक गुलाब जामुन के लिए चाशनी भी तैयार कर लेंगे। एक पतीले में मैंने लिया है 1 1/2 कप पानी। उसमें डालेंगे 1 कप चीनी। हमें बस चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है, और मैं इसमें डाल दूँगी 2 इलायची ऐसे तोड़कर। बस इसे 10 मिनट गैस पे रखेंगे, और चीनी मेल्ट हो जाने पे बंद कर देंगे। देखिए, यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गुलाब जामुन फ्राई कर लेंगे। इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें, डार्क ब्राउन कलर आने तक। देखिए कितना सुंदर डार्क ब्राउन कलर आ गया है अब इन्हें। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। फिर हम इन्हें चाशनी में डाल देंगे। हमें इन्हें करीब 2 घंटों तक चाशनी में ऐसे ही डुबोए रखना है। जितनी ज़्यादा देर ये चाशनी में रहते हैं, उतनी ही ज़्यादा ये सॉफ्ट होते हैं। यहाँ मैंने 1 घंटे बाद इन्हें एक बड़े बाउल में निकाल लिया है, कि इन्हें साइज़ में और बड़ा होने के लिए ज़्यादा जगह मिले। यहाँ देखिए, अब 2 घंटों से ज़्यादा टाइम हो गया है। देखिए इनका साइज़ कितना बड़ा हो गया है। तो बस रेडी है हमारे ब्रेड के गुलाब जामुन। कर लेते हैं हम इन्हें अब सर्व।
देखिए ये कितने जूसी और यम्मी दिख रहे हैं। आप भी इन्हें घर पे इजीली बना सकते हैं। वाओ कितने सॉफ्ट बने हैं ये और इजीली कट हो रहे हैं। ज़रूर ट्राई करके देखना आप घर पे ये रेसिपी। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।